हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं छोले बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने कुकर में छोले को चना को उबालने के लिए कच्चे चने को उबालने के लिए मैंने इसे डाल दिया है इसमें। और अब देखिए, इसका ढक्कन मैं इसमें लगा देती हूँ। ढक्कन लगाने के बाद में देखिए, मैं इसे गैस पर चढ़ा दूंगी उबालने के लिए। और ये देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया है और मैं गैस पर इसे चढ़ा दिया हूँ ताकि ये अच्छी तरह से उबल सके। और ये 5-10 मिनट में ये उबल जाएगा। ये देखिए, हमारे चने उबल चुके हैं और अब मैं इसे बनाने के चक्कर में हूँ। अब देखिए, ये प्याज है, लहसुन है, हरा मिर्च है और टमाटर है, ये सब मैं रखी हुई हूँ। इसे अब काटने का है। ये काट करके जब मैं इसे मसाला तैयार करूँगी, ये देखिए मैंने इसे काट दिया है। ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है और ये गरम हरी मिर्च है, प्याज है और ये टमाटर है। ये सामग्री मैंने सब सरिया कर रख दिया है। आप देख ही रहे हैं, हल्दी है, गरम मसाला है और मिर्च की पाउडर है, धनिया पाउडर है, सब देख ही चुके हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पे। इसे मैं तेल डाल दी हूँ। तेल डालने के बाद 2 मिनट तक मैं कढ़ाई को इसी तरह से छोड़ दूँगी ताकि तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और उसके बाद में मैं इसमें जो है वो जीरे का फोड़न डालूंगी ताकि जीरा अच्छी तरह से चटक जाए। उसके बाद में देखिए, अच्छी तरह से ये जब तेल में उबाल आने लगता है, जीरा जब पकने लगती है ढंग से, ये अच्छी तरह से इसे मैं चटकने दूंगी ताकि जीरे की सुवनापन अच्छी तरह से उस छोले में आ सके। और ये देखिए, इसमें ये जो हरी मिर्च है वो मैंने डाल दिया है। हरी मिर्च डाल के मैंने इसे चला दिया है। हरा मिर्च का फ्लेवर ही अच्छा आता है चूल्हे में। और ये देखिए, इसमें जो टमाटर, प्याज और हरी मिर्च है वो सब मैंने, ये देखिए मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें। ये सारे प्याज मैंने डाल दिया है इसमें और अच्छी तरह से इसे चला लेती हूँ। जब तक चलाते रहोगे तब तक ये गहरा नहीं हो जाए। अच्छा तरह से इसे हम भूंज लिए हैं। और देखिए, इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया है। टमाटर डाल करके मैं अच्छी तरह से इसे बना लूँगी। देखिए, यह अच्छी तरह से मैंने इसे चला दिया है। पाँच दस मिनट इसे भी अच्छी तरह से चलाते रहूँगी ताकि ये टमाटर भी अच्छी तरह से उसमें घुल मिल जाए। और इसके बाद में मैं इसमें जो भी मतलब वो पाउडर जो हरी मिर्च, धनिया, ये सब का पाउडर है, ये सब देखिए इसको चलाने के बाद में अब इसमें मैं दे रही हूँ। सारे मसाले इसमें पड़ेंगे जो इसमें चाहिए।
देखिए ये सुनहरा हो चुका है और अच्छी तरह से ये सारे मिल गए हैं मसाले, और ऊपर से जो भी पाउडर वाले मसाले हैं वो पाउडर वाले मसाले मैं इसमें दूंगी। वैसे इस रोटी को छोले में मतलब छोले को इस रोटी में खाने से बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और गरम मसाला का पाउडर सभी हैं, और सब मैं बारी बारी से सभी मसाले को इसमें डालूंगी। ये देखिए मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, देखिए हल्दी पाउडर मैंने दिया, और ये दे रही हूँ मैं धनिया का पाउडर है। ये देखिए मिर्च पाउडर मैंने दे दिया है, देखिए मैंने सभी सामग्री देकर मैंने इसे चला दिया है। ये देखिए नमक डाल रही हूँ, नमक स्वाद के अनुसार आपको देना है इसमें, उसके बाद चला देना है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी मसाले को ढंग से मिलने के लिए मैंने मिलाया है, और ऐसे 2 मिनट और चलाऊंगी ताकि मसाला भी अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए मैं फिर चला रही हूँ इसको। अब क्या है कि जब सारे मसाले इसमें मिल गए हैं और ये अच्छी तरह से पक गई है, तब इसमें क्या करना है, उबाल आने के बाद ये जो उबाल कर मैंने चना रखा है वो देख ही रहे हैं, ये चना भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसे चना को डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसे भी चलाऊँगी कुछ मतलब 5 मिनट, इसे भी अच्छी तरह से मैं भूंजूंगी ताकि सारे मसाले और नमक का फ्लेवर सब इसमें मिक्स हो जाए और ये अच्छी तरह से देखिए। ये देखिए मैंने चला रही हूँ इसे भी, अब बचा ही गरम मसाला है, ये मैं अब इसमें गरम मसाला ऐड कर देती हूँ और फिर इसे अच्छी तरह से जब देखिए चला रहे हैं। कोई ज़्यादा है जो घोर पसंद करता है, कोई सूखा पसंद करता है। ये देखिए मेरा जो छोला है बनकर तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं करीब से।
इसकी रंग भी देख सकते हैं, ये अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए मैं चम्मच से उठाकर बता देती हूँ आपको कि किस तरह से बना है, आप समझ ही सकते हैं। भाई अब तो ये बनकर तैयार हो गया, अब चलते हैं। देखिए ये मैंने छोला और रोटी प्लेट में रखी है खाने के लिए, और अब हम चलते हैं खाने के लिए। तो आइए आप लोग भी रेडी हो जाइए खाने के लिए। देखिए ये मैंने खाना खा रही हूँ मैं। बस मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर और